माई नेम इस मुस्कान एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज कोड सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी अ फोर्थ चैप्टर ऑफ लिव्स इन द स्काई विच इज़ लिटरेचर ऑफ हिमाचल जो आपका ये चैप्टर है दिस इज़ योर फोक आर्टिस्ट घम्बरी पहाड़ी बायवर्ड फॉर फोक म्यूजिक सो आज हम घम्बरी जो फोक आर्टिस्ट है हिमाचल प्रदेश के उनके बारे में जो है इसमें देखेंगे So, guys, before I will move forward, please do like, share, and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. Everyone, let us start our fourth chapter in literature of Himachal Pradesh, which is folk artist. Gambri Pahari, by word of Folk Music. Artist Mani Professional Trainer, right? So this story is about Gambri. Gambri Devi of Himachal Pradesh. Joki Blas Put the stick me. से बिलोंग करती थी और ये बहुत ही जो है फेमस सिंगर एंड डांसर हुआ करती थी अपने वक्त की और इस पोएम में सॉरी इस शॉर्ट स्टोरीज़ में ये बताया गया है कि जो फोक आर्टिस्ट जो गम है वो जो है किस तरह का जो है गाने गाया करती थी और किस तरह किस की उसकी पॉपुलैरिटी थी कौन कौन से अवॉर्ड उसको मिले और किस तरह से लोगों ने उसको रिवॉर्ड किया सो दिस इज़ अबाउट फोक आर्टिस्ट घबरी देवी सो लेट इज स्टार्ट ये जो है मे बी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको लाइन टू लाइन दूँगी सो यू पीपल हैव टू मैनेज लिटल पिट एंड सो गाइज आप ये ना भूलें कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है और प्लीज़ डो कमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन और इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको जो है आगे डिस्क्राइब करूँगी Uh, आपको एक ब्रीफ आइडिया दूँगी कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है सो स्टेट विद में सो वन एवर आई आई कम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर फ्राम अराउंड बिलासपुर अब ये राइटर कह रहे हैं राइट तुलसी रमन वन एवर आई कम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर फ्रॉम अराउंड बिलासपुर और घुमारवीन इन टाइम्स ऑफ क्लैचर द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज़ डू यू नो घमरी राइटर कहते हैं कि जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर के को मिलता हूँ यू नो अराउंड बिलासपुर का हो चाहे गुमारपी का हो फ्री uh, टाइम में सो so, पहला क्वेश्चन है जो मैं उनसे पूछता हूँ दैट इज़ डू यू नो घमरी आप घमरी को जानते हो पीपल एट मी इन वाडा तो लोग मुझे बहुत ही हैरानी से देखते देखते हैं टकटकी लगा के राइट थिंक इट स्ट्रेंज दैट द जेंटलमैन हैज़ नॉट मैंशन द नेम ऑफ पॉलिटिशन और ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर पीपल हु आर वेरी वेल नोन इन दोसाइटी अवर डेज अब राइटर कहते हैं कि वो सोचते हैं कि जो व्यक्ति है जेंटल है वो जो है किसी पॉलिटिशियन को नहीं पूछ रही ही इज़ नॉट नॉट आस्किंग एनी यू नो हाई पोजीशन होल्डिंग ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पूछ रहा है लेकिन ही इज़ आस्किंग घंबरी सो so, लोग बहुत हैरान होते थे ऑन हियरिंग घम्बरी नेम हाउ एवर एवरी वन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द रियलम ऑफ डांस एंड सॉन्ग घम्बरी का नाम सुन के जो है लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते थे उनकी चेतना शिफ्ट हो जाती थी डांस और सॉन्ग्स में राइट यंगस्टर हु हैव नेवर हर्ड और सीन घम्बरी और ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ हर फेम जो युवा हैं जिन्होंने घम्बरी को नहीं सुना नहीं देखा वो भी घंबरी का जो फेम है पॉपुलैरिटी है उससे वाकिफ़ हैं सम ओल्डर पीपल एंड थ्रिल्ड द मोमेंट दे देर घम्बरी ने जो ओल्ड लोग हैं राइट right? जिनकी उम्र हो गई है काफ़ी तो वो लोग जब भी घम्बरी का नाम सुनते हैं दे आर थ्रिल्ड राइट दे आर एस्टॉलिश्ड दैट इवन आफ्टर हैविंग क्रॉस्ड नाइंटी ईयर्स ऑफ एज घम्बरी इज स्टिल रिकोगनाइज बाई पीपल इन हिमाचल एंड बीन्ड सो लोग जो है वो काफ़ी मतलब अचंभित हो जाते हैं कि भाई नब्बे साल बाद भी या फिर इतने साल बाद भी जो है लोग घमरी को आज पहचानते हैं हिमाचल में और हिमाचल से बाहर भी एज सुन एज हर नेम इज़ स्पोकन द पीपल ऑफ़ बिलासपुर घुमार are आर with विद प्राइड फॉर देयर कल्चर जब भी वो घमरी का नाम सुनते हैं तो उन्हें अपने कल्चर पे बहुत ही प्राउड होता है राइट वन डे वनिंग सॉरी वन डे while माई सेल्फ ऑन अ बेंच एट द रिच द रिच ये शिमला की बात हो रही है कि एक दिन जब मैं अपने आप को जो है धूप में सेक रहा था या फिर धूप सेक रहा था रिच पर बेंच पर बैठ के आई केम अक्रॉस अ पर्सन फ्रॉम घुमारवी एक व्यक्ति मुझे मिला जो घुमारवी का था राइट अ कॉन्वर्जेसन अबाउट घम्बरी वॉज प्रजेंटली स्टक अप हाउ डू यू नो घम्बरी ही आस्ट देन कॉन्वर्जेसन वही घंबरी के बारे में उनकी चली वहाँ पर और फिर व्यक्ति ने पूछा आप गमरे को कैसे जानते हो राइट आई एम आई एम हर फैन तो राइटर ने कहा भाई मैं उसका फैन हूँ आई एडमायर हिम हर सॉरी आई एडमायर हर आई सैड प्लेनली मैंने काफ़ी सिंपल वे में कहा आई वॉचड हर प्रोग्राम इन घुमारवीन अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर अगो फिर राइटर कहते हैं कि मैंने उनका प्रोग्राम देखा था घुमारवी में पच्चीस साल पहले सिंस दैन द लिरिक्स ऑफ हर सॉन्ग तब से जो लिरिक्स है उसके सॉन्ग के घम्बरे के सॉन्ग्स के खाना पीना ना नंद लेना हो गंबरी है जो ये लिरिक्स हैं सॉन्ग के हर वॉइस एंड हर डांस आर एच इन माई मेमोरी उसके जो वॉइस uh, है उसका जो डांस है वो मेरे दिमाग में छप गए हैं या फिर लिख गए हैं शी वॉज अबाउट सेवेंटी योर्स ओल्ड इवन दैन बट द वे शी सेंग हर वोन कम्पोजिशन एंड डांस अलॉन्ग वॉज जस्ट अवेसम कहते हैं कि वो उस वक्त सत्तर की उम्र की होगी बट जिस तरह से उसके गानों का कम्पोजिशन था कि वो गाने को और डांस को जिस तरह से मतलब आपस में उसका एक कम्पोजिशन था दैट वॉज अवेसम वो बहुत ही अच्छा था दैट दैट्स वाई आई हैव बीन घमरी फ़ैन तो इसलिए मैं घमरी का फैन हूँ फ्रॉम फर्स्ट साइट कहते हैं कि पहले जब मैंने उसको देखा फर्स्ट साइट से ही एंड आस्क अबाउट हर वेलबींग फ्राम एनी वन कमिंग फ्राम हर एरिया और मैं पूछता हूँ उसके बारे में उसके वेलबींग well के बारे में कि भाई वो कैसी है सो so, जो भी उसके एरिया से आता है यानि कि बिलासपुर से घुमाए से जो भी आता है तो मैं घम्बरे के जो है वेलबींग well के बारे में पूछता हूँ ना The man had come from घुमारवी to look up our relative admitted in the hospital. अब जो hospital है शिमला में IGMC जी एम सी तो वो अपने रिलेटिव को देखने आया था व्यक्ति गुमारवी से ही सैट फॉर अ लॉन्ग चैटिंग विद मी इन दन तो कहते हैं सूरज में धूप में वो जो है काफ़ी लंबी बातचीत अकेले तो हम साथ बैठे ही टोल मे सिवरल स्टोरीज अबाउट घमरी बहुत सारी स्टोरी उसने घमरी की बताई समिच आई हर्ड अर्यर टू कुछ मैंने जो है वो पहले भी सुन रखी थी बर्न टू ट्रेडिशनल सिंगर शांति सा, एंड गादित घमरी हैथ बिगन तो टू विन गंगी गंगी जो है इट्स अ काइंड ऑफ हीरोइन होती है एक कुछ इनका लेख होता है मैं आपको बाद में बताती हूँ कि गंगा गंगी है क्या सो कहते हैं कि ये जन्मी है ट्रेडिशनल सिंगर जो इनके माता पिता का नाम है शांति और गर्दत्तु राइट वहाँ पे जन्मी है देन घंबरी हैड बिगन टू विन गंगी कंपटीशन फ्रॉम द एज ऑफ टेन दस साल से ही जो गंगी कंपटीशन है वो जीतना स्टार्ट कर दिया था गम्बरी हैड द इन गिफ्ट ऑफ पोइटिक रिक क्वाड फॉर अ गंगी सॉन्ग गंगी सॉन्ग के लिए जो पोइटिक जो एक नेचर चाहिए था राइट सॉन्ग में तो वो उसके पास जो है वो जन्म से ही था हु देन कुड स्टैंड अप टू हर इन सिंगिंग गंगी तो उसके सामने कौन नहीं टिक सकता था कहते हैं शी ऑल्सो सेंग ट्रेडिशनल सॉन्ग इन फेस्टिवल एंड फेस्टिविटीज़ विद अ ट्रूप ऑफ गर्ल्स अब कहते हैं कि वो और भी मतलब पारंपरिक जो गाने हैं वो गाया करती थी फेस्टिवल्स में अपने जो है गर्ल्स के साथ ग्रुप ऑफ गर्ल्स था उनका तो उनके साथ गाया करती थी घम्बरी देवी ट्रुप वॉज बुकड इन एडवांस टू सिंग मंगल गीत एट धूप पायना एंड ऑन दिवाली घम्बरी गेंट पॉपुलरिटी फ्रॉम देर अब कहते हैं कि घम्बरी का जो ट्रूफ था गर्ल्स का वो पहले से ही जो है वो एडवांस में ही बुक रहता था, था मंगल गीत गाने के लिए मंगल गीत मानी सेक्रेट Uh, जो सॉन्ग्स होते हैं भजन वगैरह भा है ना और दिवाली में जो सॉन्ग गाते थे ये सब वो पहले से बुक रहता था तो वहाँ से वो जो है पॉपुलर हुई वी सी पीपल ट्राइंग वेरियस स्ट्राटम्स टू सिक्योर गवर्नमेंट पेंशन टूडे बट इन दोज डेज मैनी रिसोर्सफुल पर्सन एंड हैंड विद हर आर्ट वुड वालेंट्रली पे घमरी मंथली अलाउंस ऑफ फाइव टू टेन रुपीज़ अब ये आज से मतलब काफ़ी सालों पहले की बात है तो कहते हैं कि आज तो जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लोग गवर्नमेंट पेंशन को नॉट जस्ट द एम्प्लॉई बट द लेम पीपल क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो पेंशन है उसको सिक्योर करने के लिए दे आर ट्राइंग हार्ड राइट बट उस टाइम क्या होता था जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो है घम्बरी को अलाउंस देते थे पाँच से जो है दस रुपये मंथली वो इतना जो है वो प्रभावित थे मतलब लोग घंबरी के आर्ट से वट बेटर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलैरिटी कैन बी फाउंड देन पीपल दैम सेल्फ गिविंग एन अलाउंस टू एन आर्टिस्ट फॉर हर सिंगिंग एंड डांसिंग देखिए बोले कि पॉपुलैरिटी से इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जब लोग आपको पे कर रहे हैं लोग आपके अलाउंसिस दे रहे हैं बट स्टोरीज ऑफ घमरी फेम गो फार बियड दिस डिलइट विधहार सिंगिंग एंड डांसिंग देखो बट जो घंबरी का यहीं तक नहीं है मतलब पॉपुलैरिटी कि भाई लोग उसको अलाउंसेस देते हैं बट आगे भी है और भी है देखिए क्या है मिलखई राम ऑफ जंदूता विलेज गिफ्टेड हर अ हॉर्स सॉरी गिफ्टेड हर फाइव बिगाज ऑफ लैंड अब जो ये एम राम सिंह है इन्होंने क्या किया पाँच बिघा जो है ज़मीन जो है गंभरी को दी करम सिंह ऑफ घर्षण कर गिव हर हॉर्स टू तो राइड अब करम सिंह ने उसको जो है वो हॉर्स दे दिया राइड करने के लिए एंड इन एडिशन टू पेयर ऑफ बुलक्स बैलगाड़ी दे दी गंभरी सॉन्ग्स सो तो बिविश्ड तो द ऑडियंस दैट दे कंपेयर्ड विद ईच अदर टू रिवॉर्ड हर एवरी सॉन्ग सो लोग उसके जो गानों से इतने मंत्रुक्त थे कि ऑडियंस जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करती थी कि भाई क्या अवॉर्ड जो है वो दिया जाए घम्बरी को हर व घम्बरी डि नॉट एवर टर्न ट रॉयल पेट्रोनीज शी लर्न सम म्यूज़िक फ्रॉम गंगाराम खत्री बट कॉन्टीन्यू इन हर फैमिली ट्रेडिशन एंड ऑलवेज रिमेन अ फोक सिंगर अब घम्बरी जो है वो रॉयल पेट्रोनीज की तरफ टर्न नहीं हुई उसने जो म्यूज़िक है वो किससे सीखा गंगाराम खत्री से और शी हैज़ कॉन्टीन्यूड हर फैमिली ट्रेडिशन एज अ फोक सिंगर वो जो है फोक आर्टिस्ट ही रही हर आर्ट रिमेन पीपल औरिएंटेड एंड कॉन्टीन्यू टू बी एडमिटेड एंड रिकम्पन्टेड बाई ऑर्डीनरी फार्मर्स अब जो गमरे का जो आर्ट था वो जो है पीपल ओरिएंटेड रहा यानी कि लोगों की समस्याओं के बारे में उसमें बात होती थी लोगों के बारे में बात होती थी जो वो काम करते थे उसके बारे में बात होती थी और वो मतलब वैसा ही कंटिन्यू रहा उसका जो म्यूज़िक है राइट और इसी तरह इसी लिए जो लोग हैं उसका जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे ऑर्डिनरी फार्मर्स को भी वो उसमें आ, जो है वो कंपनसेट करती थी एंड दिस इज़ वाई शी रिसीव्ड फील्ड एंड ऑक्सीजन अप्रिसिएशन इसीलिए उनको गिफ्ट में भी क्या मिलते थे खेत और ऑक्सीजन की बैल इवन दो दीज वर नॉट ऑफ मच यूज़ टू घम्बरी ये सारी चीज़ें घंबरी की यूज़ की नहीं थी कहते ज़्यादा शी वॉज़ मैरिड टू हर म्यूज़िकल इनहेरिटेंस क्योंकि उसने शादी करी थी ये अब रियलिटी नहीं है इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन कि उसने शादी करी थी जो है म्यूज़िकल इनहेरिटेंस से जो उसकी uh, संगीत uh, की जो विरासत में उसको मिली थी उससे और उसका जो फोक म्यूज़िक था वो उसका लाइफ uh, वर्क था है ना और तीन अप्रैल 1919, नाइनटीन थ्री अप्रैल नाइनटीन नाइन्टीन वॉज दैट मेमोरेबल इवनिंग इन घुमारवीन वेन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वर्ष घमरी सिंग एंड डांस अब राइटर कहता है कि तीन अप्रैल 1919 नाइन को वो वो यादगार दिन था जब मैंने घुमाव सॉरी घुमावी में घमरी को जो फर्स्ट दफ़ा जो है मैंने देखा उसका डांस देखा उसका उसकी सिंगिंग देखी मैंने क्लेमड राइटर्स एड पोइट्स हैड गैदर्ड एट घुमारवी फॉर अ लिट्रेरी इवेंट बहुत सारे जो राइटर है पोइट है वो वहाँ पर घुमारवी में कहते हैं कि वो इकट्ठा हुए थे लिट्रेरी इवेंट के लिए जो साहित्यिक वहाँ पर इवेंट था द क्लाउड्स हेड बिन होल्डिंग डे लॉन्ग डेलीब्रेशंस टो बट बाय द इवनिंग दे हैड कंक्लूडिड एंड हैड स्टॉप रेनिंग ऑन घुमारवी फर्टाइल्स और कहते कि दिन भर बारिश हो रही थी, थी शाम को बारिश रुक गई उपजाऊ जो भूमि थी घुमारवी की स्टॉप रेनिंग वहाँ पे द पोइट्स हाउ एवर वेंट ऑन फावरिंग आउट देयर वर्स अन एट एलेवन ओ क्लॉक जय देवरन वॉज सिंगिंग हिज वेल नोन पहाड़ी पोइम पत्थरों के मानु पीपल ऑफ स्टोन इन हिज मेले वॉइस अब कहते हैं कि जो पोइट्स थे वहाँ पे भाई अपने जो उनके वर्ड्स थे आ, उनको जो है वो बोल रहे थे है ना एंड ग्यारह बजे जयदीप जो किरण थे वो अपनी जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो कविता थी पत्थरों के मानू यानी कि पीपल ऑफ स्टोन उसको जो है वो अपनी आ, मीठी आवाज में जो है वहाँ लोगों के सामने रख रहे थे बट द पीपल ऑफ घुमारवी वर नॉट मेड ऑफ़ स्टोन लेकिन जो लोग थे घुमारवी के वो पत्थर के नहीं बने थे दे वर इगर्ली अवेटिंग एन अदर मैजिक वो दूसरे ही किसी जादू का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे दैन द ओमनी प्रजेंट पोइट है ना प्रजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रजेंट यानी कि ऐसा जो हर जगह प्रजेंट हो साहिब ललित वॉज इन्वाइटेड टू स्टेज अब जो साहित ललित साहब है उनको जो है वो स्टेज पे बुलाया गया बट क्राउड क्राइड क्राउड ने जो जो लोग वहाँ पे थे भीड़ जो थी वहाँ पर उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया घमरी 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 राम सुभाग सिंह द मैजिस्ट्रेट ऑफ घुमारवी अब जो मैजिस्ट्रेट थे घुमारवी के राइट उन्होंने जो है हिमसेल्फ केम अप टू स्टेज खुद ब खुद स्टेज में आई टू रिसाइट हिज पोइम अपनी uh, जो है पोइम को रिसाइट करने के लिए बोलने के लिए इन हिज बनारसी स्टाइल है ना पीपल अगेन डिमांडेड लोगों ने दोबारा जो है चिल्लाना स्टार्ट किया दोबारा मांग की घमरी घमरी सो यू कैन सी द पॉपुलैरिटी ऑफ घमरी है ना कि लोग आ रहे हैं अपनी पोइम को बताने लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि कौन आए घमरी आए तो इट वॉज़ अ क्लियर दैट क्राउड हैड नॉट वेटेड सॉरी देयर लेट इन टू द नाइट टू लिसन टू द पोइट्स अब ये तो क्लियर था कि लोग वहाँ रात तक इसलिए नहीं वेट कर रहे थे कि ताकि वो जो है वो, जो कवि हैं उनको सुने। द पोएम दे वर वेटिंग फॉर वर्स कॉल्ड घमरी। जिस कविता का वो वेट कर रहे थे वो तो घमरी थी द हीरोइन एंड सिंगर ऑफ फोक सॉन्ग जो कि हीरोइन uh, थी सिंगर थी फोक सॉन्ग्स की सेवेंटी ईयर ओल्ड घमरी, सत्तर साल की घमरी कहते हैं अनार कली ऑफ बांदला अनारकली थी भाई बांदला की जगह है वहाँ पे घमरी ऑफ बांदला दैट नाइट वी स मारवीन टर्न इन टू उस दिन हमने देखा उस रात हमने देखा कहते हैं कि घमरी जो है घुमारवी जो है वो घमरी में कन्वर्ट हो गई थी शी वॉज द हीरोइन एंड द पोएम वो हीरोइन थी वो अभिनेत्री थी कहते हैं वो कविता थी द प्रोग्राम बिगन अराउंड मिन नाइट प्रोग्राम आधी रात को जो है स्टार्ट हुआ इन द ओपन ग्राउंड आउटसाइड भाग कहते हैं खुले मैदान में पीपल मूवड आउटवर्ड लोग जो है भाग के लिए चले गए लाइक अ स्वर्म ऑफ बीज मधुमक्खी की तरह भिंड भिनाते हुए भँ 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 जैसे लोग जाते हैं ना क्राउड में भीड़ में तो आवाज़ आती है उस तरह से सून एम पटिंग द बिहाइव ऑफ द पोइट्री सिम्बायोजम अब कहते हैं जल्दी ही जो मधुमक्खी का जो छत्ता था जो वो खाली हो गया उन पोइम का पोइट्री का राइट ऑन द ओपन स्टेज आउटसाइड कहते हैं कि खुले स्टेज में आ, बाहर घंबरीज स्टूड रेडी विद हर ट्रोप घंबरी जो है बिल्कुल तैयार थी अपने जो है आ, ग्रुप के साथ है ना अपने लोगों के ग्रुप के साथ घंबरी ऑफ बांदला हैड कम टू भारवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड पीपल वर इगर टू सी हर जो घंबरी थी बांधला कि वो बोले काफ़ी समय बाद जो है वो घुमार भी आई थी एंड जो लोग हैं वो उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक उच, थे बहुत ही इगर थे एवरेज हाइट कहते कि हाइट एवरेज थी मीडियम थी ज़्यादा ना लंबी ना छोटी स्लिम बॉडी थी ऑर्डिनरी प्रिंटेड सलवार सूट उसने पहना हुआ था एज़ इफ शी वर नॉट अ सिंगर डांसर बट अ फार्म वमन इन हर यार्ड कहते हैं कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि भाई वो सिंगर है है ना ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसी महिला है जो खेतों में काम करती है राइट दिस द एक्साइटेड क्राउड वेल टू वर्ड गंबरी अब जब जो उत्तेजित जो क्राउड थे मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट में वो अब गंबरी की तरफ जो है वो चले द मोमेंट दे सेट आइज़ ओन हा उनकी एक्साइटमेंट जो है वो और भी इंक्रीज हो गई राइट सो आई थिंक एवरी वन आज का वीडियो यहीं तक सो so, इससे आगे हम जो है पार्ट पार्टों में जो है वो कवर करेंगे सो इफ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इवन लिटल सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉर्गट टू लाइक एंड कमेंट सो इस वीडियो में यहीं तक और uh, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दोज़ क्वेश्चन आंसर्स एज वेल राइट सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर